नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एंटीमटाट होम्योपैथिक दवा के लाभ, रोगी का लक्षण और दवा के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लक्षण की तरफ ध्यान दें तो फेफड़े में कफ के जमा होने से घर घर शब्द होना, परंतु उसे निकाल न सकना। फेफड़े में कफ के जमा होने के कारण जब घर घर शब्द सुनाई देने लगे, कफ भरा हो परंतु प्रयत्न करने पर भी वह ना निकले, निकले तो अत्यंत थोड़ा। बच्चों तथा बूढ़ों के फेफड़ों की ऐसी अवस्था में एंटीमटाट कभी कभी रोगी को मृत्यु से खींच निकालता है। फेफड़े के हर प्रकार के रोग में जब छाती में कफ भरा हो, घर घर करता हो, चाहे वह जुकाम हो, ब्रोंकाइटिस हो, कूप खांसी हो, निमोनिया हो, कुछ भी क्यों ना हो, एंटीमटाट प्रमुख औषधि का काम करती है। अगर फेफड़े में कफ बड़ा हो, छाती में कफ बड़ा हो, घर घर करता हो, तो आप ऐसे में एंटीमटाट औषधि का ही प्रयोग करें। निमोनिया में एंटीमटाट की ब्रोनिया तथा इपिकॉक से तुलना कर दे रहा हूं एक बार। श्वास प्रणालिका के शोथ में, ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया आदि में शुरू में ब्रोनिया, इपिकॉक आदि औषधि से काम चल जाता है। सांस लेने में दर्द हो, दर्द की तरफ लेटने से आराम हो, खांसी हो, तब ब्रोनिया के लक्षण समझने चाहिए। निमोनिया में श्लेष्मा के साथ घर घर शब्द हो और रोगी में श्लेष्मा अर्थात कफ को निकालने की ताकत हो, तब इपिकॉक के लक्षण समझने चाहिए। श्लेष्मा के साथ घर घर शब्द हो परंतु रोगी इतना निर्बल हो जाए कि कफ को निकाल न सके, अंदर ही घर घर करता हो, तब एंटीमटाट के लक्षण समझने चाहिए। एंटीमटाट की अवस्था बाद को आती है जब रोगी अत्यंत कमजोर हो जाता है, कफ को निकाल सकने की ताकत भी उसमें नहीं रहती। तो आशा है कि आप ब्रोनिया, इपिकॉक और एंटीमटाट की तुलना समझ गए होंगे कि कब खांसी में ब्रोनिया, कब इपिकॉक और कब एंटीमटाट की समय आता है। कफ न निकाल सकने पर बच्चों में कैलीसल्फ तथा बूढ़ों में एंटीमटाट। अगर बच्चा सशक्त हो, कमजोर ना हो गया हो, अगर उसके फेफड़ों का कफ कमजोरी के कारण घर घर ना करता हो, वह उसे निकाल सकता हो, तब कैलीसल्फ उत्तम औषधि है। बूढ़े लोगों में जिनका छाती का कफ कमजोरी के कारण नहीं निकल पाता, एंटीमटाट उपयोगी है क्योंकि कमजोरी इसका प्रधान लक्षण है। एकोनाइट, बेलाडोना, इपिकॉक तथा ब्रोनिया में रोग प्रबल वेग से आक्रमण करता है, इसलिए एकाएक रोग के वेग के आक्रमण होने पर एंटीमटाट नहीं दिया जाता। एंटीमटाट का रोग धीरे धीरे हल्का बुखार, ठंडा पसीना, शीत का अनुभव और अत्यंत शक्तिहीनता आ जाने के साथ श्वास नलिका में कफ की घरघराहट होना है। इस अवस्था जो है वृद्धावस्था में विशेष रूप से देखी जाती है, बूढ़ों लोगों में विशेष रूप से जाती है। और अगर ऐसा लक्षण है तो आपका ध्यान एंटीमटाट की तरफ जाना चाहिए। एंटीमटाट के दूसरे लक्षण की तरफ देखें तो वमन तथा कमजोरी के कारण निंदासापन होना तथा ठंडा पसीना आना। होम्योपैथी में अत्यंत उबकाई तथा वमन में इसे दिया जाता है, परंतु इस उबकाई तथा वमन के साथ निंदासापन, कमजोरी भी होना चाहिए। कमजोरी इस दवा का व्यापक लक्षण है। इसी कमजोरी के कारण निंदासापन तथा निद्रालु भाव उत्पन्न हो जाता है। उबकाई तथा वमन इपिकॉक में भी है, परंतु इन दोनों में भेद यह है कि एंटीमटाट में वमन हो जाने के बाद रोगी कमजोर हो जाता है, वमन से उसे पर आराम मिल जाता है। इपिकॉक में उल्टी हो जाने के बाद भी जी मिचलाता रहता है, शुरू में भी जी मिचलाता है, उल्टी होने के बाद भी जी मिचलाता है, उसे आराम नहीं मिलता। आशा है वमन में आप एंटीमटाट और इपिकॉक के बारे में समझ गए होंगे। हैजे में उबकाई, निंदासापन और कमजोरी, ये तीनों जो लक्षण है पाई जाती है, इसलिए एंटीमटाट हैजे की एक उत्तम दवा है। हैजे में रोगी को वमन के बाद चैन भी पड़ जाता है। एंटीमटाट में प्यास का ना लगना भी इसका एक चरित्रगत लक्षण है। हैजे की इस अवस्था में प्रत्येक वमन के बाद एंटीमटाट औषधि की 30 शक्ति की एक मात्रा देने से रोगी पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। एंटीमटाट का तीसरा लक्षण, बच्चों की पसली चलना। वैसे तो बच्चों की पसली चलने में एंटीम क्रूड दवा अमृत है।
इस रोग में दवा का व्यापक लक्षण छाती का घड़घर करना तथा निंदासापन होना चाहिए। नवजात शिशु का दम घुटता नजर आए, छाती में घड़घड़ाहट हो, चेहरा नीला पड़ गया हो, तब आपको एंटीमटार्ट दवा का उपयोग करना है। बच्चे को एंटीमटार्ट दवा 6 CH में या 30 CH में आप दे सकते हैं। चौथा लक्षण, श्वास रोग में बिस्तर पर उठकर बैठने से आराम मिलता है। सांस की बीमारी में जो रोगी का दम घुटता हो, फेफड़ों में पर्याप्त हवा ना पहुंच पाती हो, लेटे रहने से खांसी बढ़ती हो, घड़घड़ाहट हो, कफ ना निकलता हो, उठकर बैठने से चैन पड़ता हो, तब एंटीमटार्ट दवा देना चाहिए। ऐसे में एंटीमटार्ट दवा से आराम मिल जाता है। पांचवा लक्षण, मृत्यु समय की घड़घड़ाहट। मृत्यु निकट आने पर प्रायः सांस रुकने लगती है, फेफड़ों की कफ अंदर फंसी रहती है, घर घर शब्द सुनाई पड़ता है, जिसे अंग्रेजी में डेथ रैटल कहते हैं। इस समय अगर एंटीमटार्ट दवा को देने से रोगी की बेचैनी दूर हो जाती है और वह आराम से मर पाता है। छठा लक्षण, चेचक में उपयोगी। जब भी होम्योपैथ किसी रोगी के लक्षण को पूछता है, तब यह अवश्य पूछता है कि रोगी ने चेचक का टीका कितनी बार लिया है। अगर मालूम पड़े कि ऐसा टीका कई बार लिया है, तो इस विष का प्रतिशोध करने के लिए एंटीमटार्ट दिया जाता है। मामूली चेचक में भी एंटीमटार्ट लाभ करता है। अगर मामूली सा चेचक हुआ है, तब भी आप एंटीमटार्ट 30 पोटेंसी का उपयोग करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। एंटीमटार्ट के अन्य लक्षण की तरफ देखें तो इस औषधि में प्यास बिल्कुल नहीं रहती। प्रातःकाल 3 बजे दम घुटता है, उठकर बैठने से आराम मिलता है। थूक में खून मिला होता है और यह थूक बर्तन को चिकट जाता है। जैसे कार्बोवेज तथा आर्सेनिक अंत समय की दवा है, वैसे ही एंटीमटार्ट भी अंत समय की दवा है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 36 या 200 शक्ति आप बिल्कुल लक्षण के अनुसार रोगी को दिया जा सकता है। लक्षण पर विशेष ध्यान दें, मैं बार बार कहता हूं, लक्षण मिले तो आप निःसंकोच दवा का सेवन कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।